नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज गुप्ता, सीनियर न्यूरोसर्जन, पब्लिक हेल्थ एजुकेटर, डायरेक्टर सेंटर फॉर न्यूरोस्पाइनल इंजरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूरोसिस्टिसरकोसिस यानी दिमाग में कीड़े की गांठ नामक बीमारी की। दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, क्या दिमाग में किसी कीड़े की गांठ हो सकती है? इसके क्या लक्षण होते हैं? इससे क्या परेशानी होती है? इसका क्या इलाज है? दोस्तों, प्रकृति में कीड़ा पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेपवर्म या फीताकृमि। नॉर्मली ये जो कीड़ा होता है, इसका जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन चक्र है, ये इंसान और जो पोर्क होता है, जो सुअर होता है, उसके अंदर चलता है। नॉर्मली ये सुअर से अंदर जो है उसके आंत से निकलकर और उसके मल के रास्ते, उसके फीकल मैटर के रास्ते, उसके स्टूल के रास्ते ये प्रकृति में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है और ख़त्म हो जाता है। कभी कभी एक्सीडेंटली ये जो पोर्क की फीसिस होती है, जो उसका स्टूल होता है, जो उसका मल होता है, ये खेतों में मिट्टी में मिल जाता है जहाँ पे कि सब्जी उगाई जा रही होती है, जहाँ पर खेती हो रही होती है, और उसके साथ ये धीरे धीरे करके जो खाने लायक सब्जियाँ होती हैं, जैसे गोभी है, जैसे मूली है, इन सब के अंदर भी ये कीड़ा चला जाता है या उसके अंडे प्रवेश कर जाते हैं। तो जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनमें ये उस रास्ते से जो सब्जियां होती हैं उसके रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और नॉन वेजिटेरियंस में कभी कभी ये जो कीड़ा होता है या जो टेपवर्म होता है, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में टीनिया सोलियम बोलते हैं, ये उनके मीट के रास्ते, पोर्क के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। और अगर ये आंत के रास्ते निकल कर ह्यूमंस में भी, इंसानों में भी, अगर उसके फीकल में, स्टूल में या फिर मल में निकल जाता है तो इसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये जो है आंत की जो दीवार होती है, इंटेस्टाइनल जो वॉल होती है, उसको छेदकर खून में चला जाता है और वहाँ से उसके रास्ते फिर ये दिमाग में या फिर कभी कभी मसल्स में, मांसपेशी में, आँख में भी, और कभी कभी स्पाइनल कैनाल में या रीढ़ की हड्डी में भी चला जाता है। दोस्तों, जब ये दिमाग में प्रवेश कर जाता है तब इसको हम लोग न्यूरोसिस्टिसरकोसिस बोलते हैं। न्यूरो का अर्थ होता है दिमाग और सिस्टिसरकोसिस इस कीड़े का जो है वैज्ञानिक या बायोलॉजिकल नेम है। तो दोस्तों, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस बीमारी में क्या होता है कि जब ये कीड़ा दिमाग के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वहां पर ये अपने चारों तरफ जो है सूजन पैदा करता है, और सूजन की वजह से इससे कभी कभी जो है दौरे पड़ने लगते हैं या फिर शरीर के एक हिस्से में कमजोरी आ जाती है, सुनपन झंझनाहट होने लगती है, सर में दर्द या उल्टियां होने लगती हैं। इन्हीं सब लक्षणों से हम पहचानते हैं कि किसी मरीज को इस प्रकार की कोई शिकायत है या लगातार उसको एक तरफ के हाथ पैर में दौरे पड़ते रहते हैं। दोस्तों, जब हम कभी ऐसे मरीज को न्यूरोसर्जन या न्यूरो फिजिशियन के पास ले जाते हैं तो वो उसका सीटी स्कैन या एमआरआई कराता है, जिसमें कि पता चलता है कि दिमाग में कीड़े की गांठ है या उसका स्कोलेक्स या उसका जो सिर होता है वो दिखाई देता है, उसके चारों तरफ सूजन दिखाई देती है, तो फिर उसका आगे जो है इलाज के लिए उस मरीज को दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अंतर्गत जो दवाई दी जाती हैं वो दिमाग के सूजन को कम करती हैं और दिमाग में जो दौरे पैदा करने वाली चीज़ें, जो दौरे हैं, उनको रोकती हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स बोलते हैं, और कभी कभी कीड़े को मारने के लिए जो सिस्टिसाइडल दवाइयाँ होती हैं वो भी दी जाती हैं। दोस्तों, इन दवाइयों के प्रयोग से ये कीड़े की जो गांठ होती है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। कभी कभी रेजिडुअल इसका कीड़े की गांठ भी रह जाती है, जिसमें के बाद में कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है और हम लोग उसको कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा बोलते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है कि जो 100% ठीक हो जाती है, जिसके कोई बाद के आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर ज़रूरत है तो समय पर दवाई लेने की, नियम रूप से दवाई लेने की और फॉलोअप में अपने डॉक्टर को दिखाते रहने की। दोस्तों, इस बीमारी को, चाहे इसका नाम कितना सुनने में अजीब सा लगता है, बीमारी बहुत सिंपल है, बीमारी बहुत छोटी है, और अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के अंदर दौरे की ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसको के रोका जा सकता है, जिसको के ठीक किया जा सकता है। तो हमारी जानकारी में अगर ऐसा कोई बच्चा आता है, ऐसा कोई मरीज आता है, तो हम उसको तुरंत किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसका इलाज कराएं। धन्यवाद।